अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आर टूडेज लेक्चर इज अबाउट सब्जेक्ट मैथ क्लास सिक्स, यूनिट नंबर वन, सेट्स। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज आज हम इसकी करेंगे। इसमें क्वेश्चन आंसर आएंगे आपके शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर वन देखें, डिफाइन अ सेट। एक सेट क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की जो कलेक्शन होती है वो सेट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर टू में देखें, व्हाट इज मेंट बाय द सिंबल। ये आपको सिंबल दिखाया गया, इसका क्या मीन है? बिलोंग्स टू मीन्स इज द एलिमेंट ऑफ द सेट। ये सिंबल जो है शो करता है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो किसी सेट का मेंबर है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखें, नेम टू फॉर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट। एक सेट को डिस्क्राइब करने की कोई सी दो फॉर्म्स बता दें, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर फोर देखें, वट इज मेंट बाय द वर्ड डिस्टिंक्ट इन अ सेट। एक सेट में डिस्टिंक्ट वर्ड का क्या मतलब है? डिस्टिंक्ट मीन द सेम ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि एक जैसे जो ऑब्जेक्ट्स शुड नॉट अपियर मोर देन वन, एक से ज़्यादा दफ़ा वो सेट में ना आए। क्वेश्चन नंबर फाइव देखें, एक्स सेट दिया और आपको वाई सेट दिया और आपने बताना है क्या ये सेट्स इक्वल हैं। इक्वल सेट्स जैसा कि हमें पता है कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो और दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों। तो टू सेट्स आर इक्वल, जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों में थ्री थ्री एलिमेंट्स और वो सेम है, तो ये इक्वल सेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर टू में देखें, फिल इन द ब्लैंक्स आपने सॉल्व करनी है। वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस कैन नॉट बी एस्टेब्लिश बिटवीन नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। में कभी भी वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो एस्टेब्लिश नहीं होती। नंबर टू में देखें, डैश मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एनेबल्स इट टू बी एन एलिमेंट ऑफ अ सेट और नॉट। वेल डिफाइंड एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो प्रूव करती है कि आपका एलिमेंट जो है वो सेट का मेंबर है या नहीं। नंबर थ्री में देखें, द सिंबल नॉट बिलोंग्स टू मीन्स डज नॉट बिलोंग टू द सेट। नंबर फोर, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो नोन एज नल सेट। एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं। द सिंबल इज यूज फॉर नॉन इक्विवेलेंट सेट्स के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। नंबर थ्री में देखें, टिक करना है आपने करेक्ट आंसर को। टू रिप्रेजेंट द इक्वल सेट्स वी यूज द सिंबल डी, इसका ऑप्शन है। दो सेट्स के इक्वल को लिए हम साइन शो करते हैं, डी ऑप्शन देखें। नंबर टू में देखें, राइट द एम्प्टी सेट वी यूज द सिंबल सी, इसका ऑप्शन है। नंबर थ्री में देखें, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वोवल्स, तो इसमें आप देख सकते हैं सी पार्ट इसका ऑप्शन है। नंबर फोर में देखें, टू सेट्स आपको दिए गए, तो आप देख सकते हैं ए सेट जो है वो सबसेट है सेट बी का, तो हमारा ऑप्शन ए है। नंबर फाइव में देखें, सेट में वन एलिमेंट दिया हुआ है तो ये आपका सिंगल टर्न सेट है, बी ऑप्शन है इसका। नंबर सिक्स में देखें, टू रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट सेट वी यूज द सिंबल, दो इक्विवेलेंट सेट्स को प्रूव करने के लिए सिंबल जो इस्तेमाल होता है वो डी ऑप्शन है। इफ यू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट दिस लेक्चर यू कैन जॉइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। प्रेस द बेल आइकन, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।